ऋषिकेश में खड़े ये ट्रक कोई आम ट्रक नहीं है, इसमें भरी है राहत सामग्री। वो राहत सामग्री जो कांग्रेस ने उत्तराखंड में आई भयंकर तबाही के बाद पीड़ित लोगों के लिए भेजी थी, लेकिन राहत सामग्रियों से लदे ये ट्रक फिलहाल अटके पड़े हुए हैं और उन लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है जिनको इनकी जरूरत थी। इन ट्रकों को सोमवार को राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से झंडे दिखाकर रवाना किया था। इनमें दवाएं, खाने के सामान और कपड़े हैं, लेकिन चार दिन बाद भी ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। अभी सर कह रहे हैं कि 200 ट्रक बाकी जाने हैं, अभी तक गए नहीं सर, ये तो मालूम नहीं सर कब तक जाएगा। हालांकि कांग्रेस के स्थानीय नेता इन बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि बड़े ट्रकों से सामान छोटे ट्रकों में रखकर भेजा जा रहा है। ये कोई अलग अलग स्टेट से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से आया है, ये युवा कांग्रेस से आ रहे हैं और हम 2-3 दिन से यहीं पर हैं। हमारे यहाँ पर पूरी व्यवस्था है और जो बड़ी गाड़ियां हैं यहाँ से बड़ी गाड़ियों से माल शिफ्ट होकर छोटी गाड़ियों में ये लोग भेज रहे हैं, आगे जा रहे हैं। जो छोटी गाड़ियां हैं वो भी जा रही हैं और बड़ी गाड़ियों से माल निकालकर छोटी गाड़ियों में डालकर आगे भेज रहे हैं। जैसे ही ट्रकों में फंसे होने की बात सामने आई, बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। ये जो ट्रक ऋषिकेश में खड़े हैं और उसमें राहत सामग्री है और वो अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहे, अर्थात जिन लोगों को आवश्यकता है उन वस्तुओं की वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, और आज वहां के ट्रक ड्राइवर भी निराश है और उनको पैसा नहीं मिला, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है कुछ, ये सब जो वहां पे कुप्रबंधन हो रहा है ये उसका केवल एक प्रतीक मात्र है, उसका एक ट्रेलर है। उधर तबाही के शिकार हुए लोगों की मदद के नाम पर राजनीति की हकीकत उस समय फिर सामने आई जब देहरादून एयरपोर्ट पर कल कांग्रेस और टीडीपी के सांसद आपस में भिड़ गए। राहत और मदद का श्रेय लूटने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद वी हनुमंत राव और आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद आपस में हाथापाई पर उतर आए। दोनों दल अब भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मतलब क्या था चंद्रबाबू नायडू को वहां जाने का? वो भी एक टाइम पे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा, उसको पता नहीं कि कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए? ये कोई हाथापाया चलाने की वक्त है कि उन्होंने वहां गया और फिर उनके लोग गुंडागर्दी करते हुए दे हैव टेकन स्नैच द बोर्डिंग कार्ड्स फ्रॉम द पैसेंजर्स कि आप इसमें मत जाइए उसमें आइए। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, because of that every state government came to the rescue of their own people. Our state government has failed miserably, that's why we made alternate arrangements. Finally yesterday unnecessary quarrel they have created. सारे राजनीतिक दल इस बात पर एकमत हैं कि राहत कार्यों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई इससे बाज भी नहीं आ रहा है। इस समय जरूरत सबको मिलकर राहत और बचाव कार्य करने की है ताकि पीड़ितों को सही समय पर मदद मिल सके।